drama. हेलो दोस्तों, आ जाइए जल्दी से. आ जाइए. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से तहदिल से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जब भी मेरी कोई खुशी की बात होती है, जब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ. और आप सभी को पता है कि मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी हर एक पल की खबर आप लोगों को रहती है. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहदिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा, दिल से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतना शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे आप लोग इतना प्यार देते हो. इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं कह नहीं सकता. सबसे पहले मैं एक टॉपिक पे आता हूँ कि आप सभी को पता है, जैसे मैंने भी स्टोरी डाली या पोस्ट किया, मैंने एक पोस्ट डाली. सलीम सुलेमान जी के साथ में मैं एक परफॉर्म कर रहा हूँ. जैमिन शो आ रहा है, जो आप सभी को पता है, बहुत अच्छा शो है वो. दोस्तों, बहुत मेरी ये मतलब मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इतना प्यार आप लोग देते हो. आप लोगों की वजह से ही मुझे इतना प्यार मिल रहा है हर जगह पर. तो मैं सलीम सुलेमान जी के साथ में आ रहा हूँ कल जैमिन शो में. सबसे पहले आप देखिए इंडियन आइडल 10 कल, और आइडल के बाद आप देखना जैमिन. मुझे आप आइडल के बाद भी जैमिन देखेंगे आप, उसमें मैं आपको नजर आऊंगा. तो मैं दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि मुझे ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं सलीम सुलेमान जी के साथ में गाया हूँ. मतलब मेरी औकात नहीं है कि उनके साथ में खड़े होकर गा सकता हूँ, मगर आप लोगों के प्यार की वजह से मैं उसी स्टेज पर गा रहा हूँ जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं आप सभी का नाम लूँगा. पहले मैं आप सभी को अपने दिल की बात बता देना चाहता हूँ. सलीम सुलेमान जी बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छे वो इंसान है, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं. मैं भी उनसे बहुत दिल से प्यार करता हूँ. उनके साथ मुझे काम कर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने साथ में गवाया और बहुत प्यार से समझाया उन्होंने मुझे. हर एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने मुझे बताई, और मैं बहुत मतलब उनका दिल इतना अच्छा है कि मैं मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना बोलूँ उतना ही कम है. और उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं उनके साथ कुछ गा सकूँ. तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है. मैं उनका तहदिल से, सलीम सुलेमान सर जी का, मैं तहदिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा. सर, लव यू सो मच सर, कि आपने मुझे एक इतना बड़ा मौका दिया गाने के लिए. तो मैं बस ये चाहता हूँ कि, और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि इंडियन आइडल अपना कल आ रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, कल वोटिंग है, कल भी और परसों भी. आपको पता है कि इस हफ्ते वोटिंग होंगी. और लव यू सर, लव यू सो मच सर, सलीम सर, लव यू सो मच सर. सच्ची में सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे अपने साथ खड़े होने का एक मौका दिया. मैं तहदिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर. थैंक यू सो मच सर. मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं सर बयान नहीं कर सकता. आपने मुझे बहुत प्यार दिया सर, आपने मुझे एक छोटी छोटी चीज़ बताई. मैं अपने सभी दोस्तों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे सलीम सर ने एक छोटी छोटी चीज़ बताई, और मतलब ऐसा कोई भी नहीं बता सकता जैसे मुझे सलीम सर ने बताई. तो मैं इस चीज़ के लिए सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर. लव यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर. और आपको पता है दोस्तों, अभी इंडियन आइडल आ रहा है, तो कल आप देखना, कल और परसों इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा.
आपकी बार कुछ आपको अलग ही देखने को मिलेगा, अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कल और परसों मेरे लिए वोट करें, ढेर सारी वोट करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे हमेशा प्यार देते आए हैं और ऐसे ही प्यार देते रहें जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो। और तो मैं चाहता हूँ दोस्तों प्लीज़ आप आइडल के बाद जैमिन ज़रूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है सलीम सर के साथ, सुलेमान सर के साथ में। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ में गाकर। और मैं जिनको मैं हमेशा टीवी पे देखता हूँ, जिनके गाने मैंने सुन सुनकर बड़ा हुआ हूँ, आज कल उनके साथ में मैं परफॉर्म करूँगा, तो ये मेरी खुशनसीबी दोस्तों। ये सब एक्चुअली मैं ये सारा क्रेडिट आप सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार से आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो ना, कसम से, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार कैसे करूँ मुझे खुद नहीं पता। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। मैं सारा क्रेडिट सिर्फ आपको देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना अच्छा प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज आप इस हफ्ते देखें, कल और परसों कपिल शर्मा आ रहे हैं, हमारे भाई, मेरे बड़े भाई है वो, कपिल शर्मा एंड कुमार सानू जी कम बैक, मतलब आई मीन वो दोबारा आए हैं, सलीम सुलेमान क्या नाम उनका, हमारे कुमार सानू जी दोबारा आए हैं। तो थैंक यू सलीम सर, थैंक यू सो मच सर, सर आप लोगों का आशीर्वाद है। तो दोस्तों शनिवार देखें आप इंडियन आइडल 10 रात 8 बजे, और आइडल के ख़त्म होते ही बाद आप जैमिन देखें ज़रूर, क्योंकि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मज़ा आया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो समझो आप भी एंजॉय ज़रूर करेंगे और आप सभी एंजॉय ज़रूर करेंगे, मुझे यकीन है पूरा। तो दोस्तों प्लीज़ और वोट भी करें ढेर सारी हमारे लिए, और क्योंकि मैं आपके वोट के बिना, आपके प्यार के बिना बहुत अधूरा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से मुझे नवाजे आप लोग। और थैंक यू सो मच इंडियन आइडल कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन आइडल का कि उसकी वजह से मुझे लोग प्यार दे रहे हैं और लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं अपने, उनसे उनके इंडियन आइडल की ज़रिए से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं मैं बिल्कुल गायब हो गया था, आपको पता है सभी को। तो अभी मैं बैक आया हूँ इंडियन आइडल में, तो सिर्फ आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो आप लोगों के वजह से ही मैं आइडल में अभी तक टिका हुआ हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें आप लोगों, मैंने पहले बताया था कि मैं मेरे अंदर जो भी खुशी होती है मैं सिर्फ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बाकी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो साबिर जी थैंक यू सो मच भाई, अनुजा जी थैंक यू, ज़ारा थैंक यू सो मच, और आप प्लीज़ जैमिन इंडियन आइडल के बाद जैमिन देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, आइडल में मज़ा आएगा, फिर आपको जैमिन देखने को मिलेगा, धमाल होने वाला है, अलग ही माहौल होने वाला है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। तो दोस्तों अभी के लिए मैं अलविदा कहना चाहता हूँ आप सभी से, मैं चलता हूँ, और आप प्लीज़ इंडियन आइडल देखें और वोट करें मेरे लिए, और ढेर सारी वोट करने के बाद आप मुझे देखें जैमिन में। ओके दोस्तों, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय माता दी, आदाब, बाय बाय। Why do I